आज की रेसिपी है एग चिली मंचूरियन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एग की जगह यूज कर सकते हैं पनीर या मशरूम। तो इस तरह से आप बना सकते हैं पनीर मंचूरियन या फिर मशरूम मंचूरियन। तो पेश है आपके लिए, सो एंजॉय दिस रेसिपी। एग, ये देखिए प्याज को हम कैसे काटते हैं। प्याज को हमने दोनों साइड से पहले काटा फिर छीला, और हम इसके दूध से करेंगे ताकि हमारा एक ही प्याज अलग हो जाए चिली एग के लिए। ये देखिए ऐसे प्याज हमने काटना है ताकि हमारा प्याज खुल रहे, हाथ से आप निकाल सकते हो। ये देखिए ये प्याज ऐसे होना चाहिए हमारा, छोटे छोटे प्याज यूज किए हमने इसके, छोटे होते हैं। ये देखिए दूसरा पीस हमारे कट चुके हैं, उसका हमने देखो एक पीस खोल लिया है। ये देखो ऐसे हमारे प्याज हो गए हैं। जब हम करें आप देखिए, हम शिमला मिर्च काटने जा रहे हैं। शिमला मिर्च काटने का क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ। रेड हमारी शिमला मिर्च है, येलो है, ग्रीन है। यहाँ हमारे निशान बचे हैं, वहां हम चाकू चलाएंगे ऐसे। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है शिमला मिर्च काटने का, लाइनों का। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली एग। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तीन अंडे हमने उबाल के छील के रख लिए हैं, ठंडे हो गए हैं। तीन प्याज लिए, उसको हमने अच्छे तरीके से काटा, एक एक परत अलग करी, और एक रेड शिमला मिर्च, एक येलो शिमला मिर्च, एक ग्रीन शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च, गार्निश के लिए धनिया बारीक काट के धो के रखा है, काली मिर्च है, नमक अदरक लहसुन क्रश करके रखा है, सोया सॉस है 2 चम्मच, 1 स्पून है हमारा रेड चिल्ली सॉस, 1/4 स्पून अजीना मोटो, आपकी इच्छा अजीना मोटो डालें या ना डालें, 2 टेबल स्पून है हमारा टमाटो केचप, 2 चम्मच है कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा। अब आप देखिए हम कॉर्नफ्लोर मैदा में इसको अंडे एग को हम डिप करके फ्राई करेंगे। अंडे हमने उबाल कर छील लिए हैं, अब इसके ऊपर से 1 चम्मच मैदा डालेंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इसको हमने शेलो फ्राई करना है, हल्का सा नमक डालेंगे हल्का सा, और रेड चिल्ली कलर के लिए डालेंगे हम, ये कश्मीरी लाल मिर्च होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और हल्की सी काली मिर्च, क्रश काली मिर्च। बस हाथ से इसको हम ऐसे करेंगे, पानी के छींटे मारेंगे हल्के से, ताकि हमारे अंडे में ये कलर आ जाए और कॉर्नफ्लोर मैदा चिपक जाए। ये देखिए हमारा फ्राई में रखा है गैस पे, तेल हमारा गर्म हो चुका है रिफाइंड। अब हम इसके अंदर अंडे डालने जा रहे हैं, शेलो फ्राई करने हैं हमने, ना कि डीप फ्राई, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा पसंद नहीं करते डीप फ्राई वाली चीजें। ये देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं अंडे, अब उसको उतारने जा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब जो हमारा रिफाइंड बचा है, अब हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसकी वो ग्रेवी में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन जो हमने बारी बारी काटे थे वो डालेंगे, जो हमारा तेल बचा था तेलो फ्राई करना है उसी में हमने अदरक लहसुन डाल दिया है। अब हम डालेंगे तो ब्राउन हो गए अदरक लहसुन हमारे, अब प्याज डालेंगे इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे प्याज कैसे फूल रहे हैं एक एक करके। डालेंगे ग्रीन शिमला मिर्च, 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे हम फुल गैस के ऊपर। हरी शिमला मिर्च डाले, अब हम डालेंगे रेड शिमला मिर्च, इसको 5 मिनट फ्राई करेंगे। चलिए 5 मिनट हो गए हैं, रेड शिमला मिर्च डाले, हम येलो शिमला मिर्च डाल दें, 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे फुल गैस पे। देखिए हमारा कलर चेंज हो रहा है, डाल देंगे एक बारी बारी हमारी काटी हुई, इसको फ्राई कर रहे हैं हमने, इसको ढक्के नहीं रखना है, फुल आंच पे ऐसे फ्राई करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालते जा रहे हैं सोया सॉस जो कि हमने 2 चम्मच डाला था, हम इसको मिलाएंगे 2 मिनट के लिए। आगे फिर हम डालेंगे टमाटो केचप जो हमने 2 चम्मच निकाला था,
मिलाएंगे। अब हम डालेंगे रेड चिली सॉस हाफ चम्मच, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, थोड़ा तीखापन भी आता है, ये नॉन वेज में कहलाता है एग चिली एग नॉन वेज हमें आती है। अब हम डालेंगे क्रश काली मिर्च 1/4 चम्मच। अब हम डाल देंगे सूखा धनिया 2 चम्मच, चम्मच अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम मिलाएंगे, फिर हम डालेंगे अजीना मोटो आपकी इच्छा के ऊपर है, बिल्कुल हल्का सा ही सूखी। अब हम डालेंगे विनेगर जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, हाफ चम्मच। ये इसमें हमने जो पेस्ट बनाया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, 2 चम्मच मैदा, इसकी हम थोड़ी ग्रेवी बनाएंगे। अब हम इसमें क्या देखिए आप, अगर हम ड्राई चिली एग बनाएंगे तब भी हम ये डालेंगे, उसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे और हमने थोड़ी ग्रेवी रखनी है इसमें, इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा पानी लिया है 4 चम्मच। अंडों को सेलो फ्राई किया था वो ठंडे हो गए, अब इसको हाफ हाफ काट लेते हैं। काट लिए हैं, एक एक एग के 2 पीस किए हैं हमने, गल के सोया सॉस टमाटो केचप हमने मिक्स कर दिया है, ये हमारी सब्जियां भून चुकी हैं, इसमें एग डालने जा रहे हैं और ऊपर से गार्निश करेंगे इसको हम हरे धनिया से। ये देखिए हमारी है चिली एग तैयार है हमारा, इसको बड़े आराम से हम इसको पलटेंगे ऐसे देखिए। ऊपर से हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे चिली एग हमारा। चिली एग तैयार हो चुकी है, अब मैं आपको खाके बताती हूँ कैसी बनी है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस रेसिपी।